हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म केसरी के ट्रेलर के बारे में, जिसे जिस ट्रेलर को कर दिया गया है फाइनली रिलीज। वेल, तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस ट्रेलर में, जिस वजह से आपको ये फिल्म थिएटर में देखने जानी चाहिए या नहीं। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं सीधे इस वीडियो को, लेकिन एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फिल्म की स्टोरी की भी डिस्कशन करने वाला हूं, जो एक हिसाब से एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा, क्योंकि ये फिल्म एक हिस्टोरिक फिल्म है। इसलिए मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा जन को फिल्म की स्टोरी पता होगी, लेकिन जिन लोगों को फिल्म की स्टोरी नहीं पता है, ये स्पॉइलर उनके लिए है। सो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि केसरी फिल्म के अलावा बाकी और दूसरी फिल्मों की भी अनाउंसमेंट की गई थी जो इसी टॉपिक पर बन रही थी। और ये कोई पुरानी बात नहीं है कि बॉलीवुड में एक ही टॉपिक पर काफी सारी फिल्में बन रही है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, 2002 में भगत सिंह के टॉपिक पर बनी हुई काफी सारी फिल्में, जिनमें से एक थी शहीद भगत सिंह, दूसरी सोनू सूद की शहीद आजम। ये दोनों ही फिल्में लोगों को मुझे नहीं लगता कि याद होगी। उसके बाद आई थी उसी टाइम पर दो बड़ी फिल्में, एक थी बॉबी देओल सनी देओल की फिल्म शहीद, जिसे उस टाइम पर डायरेक्ट किया था गुड्डू धनाव ने, और दूसरी थी दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने। और इन सब फिल्मों में बाजी मार ले गई थी अजय देवगन की फिल्म दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह। और उस टाइम पर 1965 से लेकर 2000 तक किसे भी ये नहीं पड़ी थी कि भगत सिंह पर कोई फिल्म बनाए, लेकिन अचानक से उस टाइम पर सभी को देशभक्ति की सूझ गई थी और इतनी सारी भगत सिंह की फिल्में हमारे सामने आ गई थी। और ऐसी ही सिचुएशन एक बार फिर से होने वाली है बॉलीवुड में, लेकिन इस बार ये सभी फिल्में एक ही साल में रिलीज नहीं होने वाली। हर एक फिल्मों का साल अलग अलग है, जैसे कि केसरी इसी साल 21 मार्च को रिलीज होगी, और उसके बाद डिस्कवरी जीत पर रिलीज किया गया था 21 शरफरोश, सारागरी 1897। और अब हम सीधे देखेंगे अक्षय कुमार की फिल्म केसरी। लेकिन वही बात करें फिल्म द बैटल ऑफ सारागढ़ी की, जिसे डायरेक्ट प्रोड्यूस और उस फिल्म में एक्टिंग करने वाले थे अजय देवगन, जिस फिल्म के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। और अब इस फिल्म के प्रोजेक्ट को छोड़कर अजय देवगन तानाजी फिल्म में बिजी है, तो डेफिनेटली अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप आउट कर लिया है, जबकि ये प्रोजेक्ट अजय देवगन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे वो बनाना चाहते थे। और उस टाइम पर करण जौहर और अक्षय कुमार की तरफ से ये अनाउंसमेंट जब आई, तो सिचुएशन को देखते हुए और फिल्म की रिलीज डेट को देखते हुए अजय देवगन ने अपने प्रोजेक्ट को कैंसिल कर लिया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ही टॉपिक पर अगर फिल्म बनेगी और लोग उसी फिल्म को देखेंगे, तो फिर फिल्म में देखने जैसा नया लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि भगत सिंह फिल्म में उस टाइम पर अजय देवगन भी थे, इसलिए उन्हें चीजें काफी नजदीक से पता है। और उसके बाद आती है रणदीप हुडा की फिल्म 21st बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिस फिल्म को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया होगा, जो अब मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी, और एक बार फिर वो इसी सिचुएशन में फंस गए हैं, क्योंकि उस टाइम पर लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म को उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी और उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हुआ था, जिसकी डिटेल उन्होंने एक इंटरव्यू में दी थी। तो अब देखते आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी इस फिल्म को लेकर आगे आएगा या नहीं। बल तो अब मुझे नहीं पता है कि बॉलीवुड में इस फिल्म का ट्रेंड कहां से चल पड़ा कि सभी लोग एक ही फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर आगे आ गए हैं। तो शायद जिस टाइम पर इस फिल्म के प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की गई होगी, तो शायद कहीं ना कहीं इस फिल्म के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए नहीं दिया गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा अलग है। ये टॉपिक देशभक्ति का नहीं, बल्कि उन 21 सिखों की जाबाजी का है कि कैसे उन्होंने अफगानी सेना को धूल चटाई थी। तो अगर इस टॉपिक पर फिल्म 80s या फिर 90s के टाइम पर बनती, तो डेफिनेटली इंडिया में काफी लोग इस फिल्म का विरोध करते, क्योंकि उस टाइम पर लोगों की सोच ज्यादातर तो पॉलिटिशियन के बोलने पर चलती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म देशभक्ति पर नहीं है। और अब आज के टाइम पर इस फिल्म को क्यों बनाया गया है, वो बात अब आपके समझ आ रही होगी, क्योंकि आज के टाइम पर हमारे इंडिया में लोग ज्यादातर तो समझदार हो गए हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी है जहां पर आज भी लोग 80s और 90s की ही सोच रखते हैं, तो उन लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद आगे चलकर एक और टॉपिक पर भी फिल्म बनेगी, जिस टॉपिक पर गए साल ही काफी झगड़ा हुआ था, खास करके मुंबई में। और ये झगड़ा शुरू हुआ था भीम केरा गांव से, जो पूना साइड में है, और उस टाइम पर ये बैटल महार और पेशवाओं के बीच हुई थी, और ईयर था 1888 का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 500 महार सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से ये जंग पेशवाओं के खिलाफ लड़ी थी, जिनकी संख्या लगभग 2 से 3 हजार की थी, और सभी पेशवा सैनिक उस टाइम पर महार के 500 ब्रिटिश सैनिकों के सामने हार गए थे। उस टाइम पर महार जाति के लोग एक हिसाब से काफी भड़के हुए थे, क्योंकि उन्हें उनके हक की जगह उस टाइम पर नहीं दी जा रही थी, तो एक हिसाब से ये जंग उस टाइम पर जायज थी। और इसी बात पर काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी गए साल, क्योंकि कुछ लोग आज भी नहीं चाहते कि उन सैनिकों को याद किया जाए, जबकि उन सैनिकों ने ये जंग अंग्रेजों के खिलाफ से कम और अपने मान सम्मान के खिलाफ ज्यादा लड़ी थी, जिन्हें हम आज की तारीख में जय भीम के नाम से जानते हैं। तो अगर इस टॉपिक पर भी मेरे ख्याल से फिल्म बनेगी, तो वो फिल्म भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि ये टॉपिक भी काफी लोगों को याद नहीं है, जबकि
ये एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। खैर तो अब इस टॉपिक को साइड में रखकर आते हैं केसरी फिल्म पर कि बैटल ऑफ सारागढ़ी फिल्मों में कौन सी फिल्म बाजी मार ले जाएगी। और डेफिनेटली ये तो पक्का है कि इस मैदान में बाजी मारेगी अक्षय कुमार की फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने और प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। और अब यहाँ पर बात करें फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह की, तो अनुराग सिंह ने पहले कभी भी इतने बड़े लेवल पर एक अच्छी फिल्म नहीं बनाई है, यानी ये उनके करियर की पहली बड़ी फिल्म है। इसके पहले वो पंजाबी फिल्में बनाते थे जिनमें से आधी से ज्यादा फिल्में ऑलमोस्ट बॉक्स ऑफिस पर हिट ही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस फिल्म की स्टोरी भी अनुराग सिंह ने ही लिखी है गिरीश कोहली के साथ, और गिरीश कोहली ने इसके पहले मॉम फिल्म की स्टोरी लिखी थी। तो डेफिनेटली इस फिल्म में कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगी, इसलिए करण जौहर ने इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाए हैं। और इसी के साथ साथ इस फिल्म को लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस फिल्म में पहले सलमान खान भी थे। अब उनका रोल इस फिल्म में क्या था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस फिल्म को सलमान खान ने क्यों छोड़ा था वो मुझे पता है। कहा जाता है कि सलमान खान ने अपनी दोस्ती निभाई इस फिल्म को छोड़कर, क्योंकि एक तरफ जैसे कि मैंने बताया ये प्रोजेक्ट अजय देवगन का भी था, इसलिए कहीं ना कहीं सलमान खान और अजय देवगन के बीच की दोस्ती खराब ना हो इसलिए सलमान खान ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। तो आई थिंक इन सारी के सारी डिटेल से आपको ये पता चल गया होगा कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट को क्यों बनाया गया है और ऐसे टॉपिक को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। तो अब इन सब डिटेल से हटकर आते हैं फिल्म के ट्रेलर पर और देखते हैं फिल्म के ट्रेलर में ऐसी क्या खास बात है। तो मैं यहाँ पर फिल्म के VFX पर कोई भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि फिल्म का VFX इतना भी ज्यादा खास नहीं है, और वो सभी चीजें आप भी नोटिस कर सकते हो कि इस फिल्म के VFX को ऐसा क्यों रखा गया है। यहाँ तक कि फिल्म का कलर भी हमें काफी अलग लगता है। और इन सब चीजों पर सही तरीके से काम इसलिए नहीं किया गया होगा क्योंकि इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करना था ताकि दूसरी फिल्में बाजी न मार ले जाए, इसलिए इस फिल्म को जल्दी बनाने के चक्कर में फिल्म के VFX और फिल्म के कलर पर अभी फिलहाल तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आगे चलकर भी फिल्म के कलर को और फिल्म के VFX को ऐसा ही रखा जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट फिल्म रिलीज होने के कगार पर है। लेकिन मुझे लगता है ऐसी हिस्टोरिक फिल्म को बनाने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया जाए तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि जब फिल्म के VFX काफी खुलकर सामने आते हैं लोगों के, तो लोग आज की तारीख में ऐसी फिल्में देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, भले से ही फिल्म की स्टोरी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन इस फिल्म का टॉपिक काफी अच्छा है, और ऐसे में अगर फिल्म को काफी जल्दबाजी में बनाया गया होगा तो शायद कहीं ना कहीं हमें फिल्म में कुछ ना कुछ लूप्स भी देखने मिलेंगे। लेकिन फिर आ जाए एक बनी बनाई स्टोरी पर, तो ऑलरेडी फिल्म की स्टोरी रेडी थी और उन्हें बस फिल्म की स्टोरी में थोड़े बहुत ही एलिमेंट्स ऐड करने थे, जैसे कि कुछ गाने, बढ़िया से डायलॉग्स, एपिक बैटल, और फिर ये फिल्म बनकर रेडी। इसलिए शायद मुझे लगता है कि फिल्म की स्टोरी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी जरूरत नहीं थी फिल्म में एक्ट्रेस को घुसाने की। लेकिन फिर भी परिणीति चोपड़ा को एक छोटा सा रोल देने के लिए उन्हें इस फिल्म में ऐड किया गया, ताकि छोटी सी लव स्टोरी भी हमें इस फिल्म में नजर आ जाए, क्योंकि ये बॉलीवुड है और बॉलीवुड में अगर छोटी सी भी लव स्टोरी नहीं दिखाई गई तो फिर लोग फिल्म देखने थिएटर में क्यों जाएंगे, खास करके यूथ। इसलिए परिणीति को यहाँ पर छोटा सा रोल दे दिया गया है। खैर तो फिल्म के ट्रेलर में ज्यादातर तो अक्षय कुमार पर ही फोकस किया गया है, क्योंकि उनके अलावा फिल्म में बाकी कोई भी बड़ी कास्टिंग नहीं है सिवाय परिणीति चोपड़ा के। और अक्षय कुमार इस फिल्म में हरविंदर इसार सिंह का रोल कर रहे हैं, जो इन 21 सिखों की छोटी सी आर्मी के लीडर थे, और बाकी के बचे पूरे 20-21 सिख जो हमें इस फिल्म में दिखाए जाएंगे उनमें से कोई भी नॉन एक्टर नहीं है, यानी यहाँ पर फिल्म में पूरी की पूरी कास्टिंग नहीं की गई है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फिल्म में अक्षय कुमार अपने नाम पर हिट करवा लेते हैं आज के टाइम पर, और इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। और इस फिल्म की कहानी बेस्ड है 1897 पर, जिस टाइम हमारा इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, यानी इन 21 सिख के पास अंग्रेजों की गुलामी करने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस सारागढ़ी की बैटल से उन 21 जाबाज सिपाहियों ने ये साबित कर दिया था कि भारत की जमीन से वीर ही जन्म लेते हैं, इसलिए उन 21 सिखों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ 21 ही थे जो 10,000 अफगानियों के सामने टिक गए थे। और उसके बाद उन 21 सिख जवानों ने लगभग 600 अफगानियों को मारा था, क्योंकि उस टाइम पर उन लोगों के पास लॉकहार्ट फोर्ट के किले को गार्ड करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दूसरे किले गुलिस्तान से यही मैसेज भेजा जा रहा था उस टाइम के हैंड मिरर सिग्नल से, यानी जब तक ब्रिटिश आर्मी की दूसरी फौज वहां पर नहीं आ जाती तब तक उन लोगों को उस किले के अंदर डटे रहना है उन 10,000 अफगानी सैनिकों के सामने। और उन लोगों की बहादुरी की वजह से ही वो 10,000 सैनिक पूरी तरीके से थक गए थे, जिसके बाद जब अंग्रेजों ने वहां पर अटैक किया था तो वो लोग उस बैटल को जीत गए थे, लेकिन वो 21 जाबाज सिख वहीं पर मारे गए थे। और फिल्म में भी हमें ऐसा ही दिखाया जाएगा, पर शायद यहां पर देशभक्ति ऐड कर दी जाएगी कि अंग्रेजों को पता था कि लॉकहार्ट फोर्ट पर काफी सारे अफगानी भारी संख्या में हमला करेंगे, लेकिन फिर भी वहां पर उन लोगों ने अपनी फौज नहीं भेजी। ये सारी चीजें वहां पर दिखाई जाएगी ताकि लोगों में देशभक्ति बनी रहे। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये बैटल लॉकहार्ट फोर्ट में हुई थी तो फिर इस बैटल का नाम सारागढ़ी क्यों रखा गया था। वेल, तो जवाब है कि गुलिस्तान फोर्ट और लॉकहार्ट फोर्ट के बीच एक गांव आता है जिसका नाम है सारागढ़ी, जो कि अब पाकिस्तान में है, और इसी रीजन की वजह से इस बैटल का नाम दिया गया था दी बैटल ऑफ सारागढ़ी। खैर तो इसके अलावा हमें फिल्म में काफी सारे एपिक मोमेंट देखने मिलेंगे, जिन्हें देखकर हम थिएटर में तालियां और सिटी
ढोलकी बजाने वाले हैं और भारी भारी फिल्म के डायलॉग्स और उसके बाद अक्षय कुमार की दमदार परफॉर्मेंस। वेल तो मुझे लगता है इतनी डिटेल काफी है जिसके बाद आपको पता चल गया होगा कि असल में इस फिल्म का टॉपिक क्या है और क्यों ये फिल्म इतनी ज्यादा खास है अक्षय कुमार के लिए। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।